अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग तमाम चीज़ होंगे, खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त विंटर के हवाले से स्किन वाइटनिंग फार्मूला क्रीम जो है वो शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि तमाम लोगों की स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रफ हो गई है, ड्राई हो गई है, ग्लो नहीं रहा है, स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डल होती जा रही है, रुखी सुखी होती जा रही है। तो मैंने सोचा चलिए आज आप लोगों के साथ एक ऐसा फार्मूला जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिसको यूज़ करने से आपको 100% रिजल्ट तो मिलेंगे ही, लेकिन ये बिल्कुल साइड इफेक्ट के बगैर भी होती है, क्योंकि इसके अंदर हम ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, जो आपकी स्किन के ऊपर हार्मफुल हो। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार आप लोग विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल का, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोगों से कोई भी मेरी वीडियो जो है वो मिस ना हो। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ जाती है तो इसको लाइक और शेयर करना लाजमी इसको कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कॉमेंट भी जो है वो लाजमी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड, तो इस क्रीम को बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले नीट एंड क्लीन जो है वो बाउल ले लेना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, नीट एंड क्लीन जो है वो आपको बाउल ले लेना है। ठीक है, हर चीज़ मैं आप लोगों के सामने ही ऐड करूँगी, कितनी कितनी ऐड करनी है ये भी क्वांटिटी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो ऐड करने लगे हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोल्डन पर्ल क्रीम। गोल्डन पर्ल क्रीम आप लोगों को पता है कि एक बहुत ही फेमस क्रीम है स्किन वाइटनिंग के हवाले से। ये आपकी स्किन को जो है वाइट करती है, ब्राइट करती है, दाग धब्बों को रिमूव करती है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है इसके बेस्ट रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ से जो है वो ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने पर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके की पैकेजिंग के अंदर जो है आपको मिल जाती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, ये आपको तकरीबन 250 के अराउंड जो इजीली किसी भी आप लोकल मार्केट से जो है इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अंदर से ओपन करने पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके की कलर के अंदर ये क्रीम जो है मिल जाती है, तकरीबन ऑफ वाइट कलर जो है वो इसका है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, हमें फुल डिबिया जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हम थोड़ी सी क्वांटिटी जो इसकी बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे इसका 1 टीस्पून के बराबर जो है यहाँ पे क्रीम को इस तरीके से ऐड कर देंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ पर क्या किया है कि गोल्डन पर्ल क्रीम को जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी स्किन को व्हाइट करती है, ब्राइट करती है। इसके बाद जो सेकंड क्रीम हम इसके अंदर यूज़ करने लगे हैं वो हम इसके अंदर फेयर एंड लवली को यूज़ करेंगे, क्योंकि फेयर एंड लवली आपको पता है कि आपकी स्किन को ग्लो देती है, दाग धब्बों को रिमूव करती है, आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा चमक भी लेकर आती है, और ये आपको हर घर के अंदर ईजिली मिल जाती है। ठीक है, तो हम इसके अंदर इसको ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ही हम इसको ऐड करेंगे। अगर आपके पास फेयर एंड लवली मौजूद ना हो तो आप लोग क्या करेंगे कि कोई भी वाइटनिंग क्रीम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या तिब्बत सिनो अगर आपके पास मौजूद है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 टीस्पून के बराबर ही इसके अंदर जो है फेयर एंड लवली को ऐड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि ये आपको किसी भी किस्म के, आपको पता है कि फेयर एंड लवली के किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं वो हम इसके अंदर ब्राइडो क्रीम जो है वो ऐड करेंगे, क्योंकि ब्राइडो क्रीम आपको पता है कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, 5 इन 1 है, ये आपकी स्किन को 5 तरीकों से जो है वो सेव करती है। ठीक है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर अगर मेलानिन का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको ये कम करती है, आपकी स्किन को जो है यूवी रेज से बचाती है, आपकी ऑयल को कंट्रोल करती है, एंटी एक्नी भी है, अगर आपके फेस के ऊपर एक्नी वगैरह हो गई है तो उसको भी कंट्रोल करती है। ठीक है, आपकी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर को बैलेंस करके रखती है। ठीक है, और आपकी स्किन को ग्लो करती है, आपकी स्किन को पॉलिश करती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त जो ये क्रीम है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसकी किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट जो है वो नहीं है। ठीक है, तो वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, मैं तमाम चीज़ें जो है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जो कि आपको बेस्ट रिजल्ट दे और आपको जो है उसके नुकसान देखने को ना मिले, ताकि आप लोगों को भी ये आके ना कहें कि हमने इस क्रीम को यूज़ किया तो हमें जो है इसके रिजल्ट देखने को नहीं मिले। ठीक है, हम क्या करेंगे इसका भी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं, तकरीबन 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर जो हम ऐड करने लगे हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीसिंग, क्योंकि आपको पता है कि विंटर का मौसम है और विंटर के अंदर आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, बहुत ज़्यादा रफ हो रही है, सही फ्लैकी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ग्रीसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आपको ऐड नहीं करनी है, आपको सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स यानी कि 2 से 3 ड्रॉप्स ही आपको उसके अंदर ऐड करने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होती है। ठीक है, तो 1 से 2 इसके ड्रॉप्स हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हम अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज़ करेंगे वो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे वाइटनिंग कैप्सूल। ठीक है, वाइटनिंग कैप्सूल यानी कि आपको पूरी डिबिया ही इसके अंदर नहीं डालनी है। ठीक है, तकरीबन आप लोग क्या करेंगे कि 1 से 2 जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 जो है आपको इसके अंदर
ऐड करने हैं, तो मैं इसके अंदर 2 जो है ऐड कर दूंगी। इस तरीके से आप इसको कट कर लीजिए, ठीक है। देखिए इस तरीके से जो है आप इसका लिक्विड जो है ऐड करने में डाल देंगे इसके अंदर इस तरीके से, ठीक है। दूसरा भी मैं यहाँ से इसको कट कर लेती हूँ। ये देखिए हमने 2 जो है उसके अंदर अच्छे तरीके से कट कर दिए हैं। थोड़ा सा क्या करेंगे आप लोग, इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये आपकी बहुत ही ज़बरदस्त नाइट क्रीम जो है वो बनके तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब आप इसको यूज़ किस तरीके से करेंगे, मैं इसको मिक्स भी करती जाती हूँ और आपको तमाम जो है रूल्स भी इसके बता दूँ कि आपको उसको किस तरीके से यूज़ करनी है। रूल्स कह रही हूँ यानी कि मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आप उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। आपको इसके अंदर डे में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है फार्मूला क्रीम जो होती है आप उसको अगर डे में यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। अगर आप इसको डे में यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आपको सन ब्लॉक जो है अप्लाई करना मस्ट होगा, ठीक है। आप इसको यूज़ करने के बाद हीट के कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं जाएंगे, यानी कि आपको किचन वगैरह में बिल्कुल भी काम नहीं करना है। तो आप इसको किस तरीके से फिर यूज़ करेंगे कि आप अपने नाइट के अंदर जो है अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप टोनर वगैरह जो भी अप्लाई करते हैं अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लीजिए, सीरम अप्लाई करते हैं सीरम अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेके जो है अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूँ किस तरीके से अप्लाई करना है, ये हमारी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इसको डॉट डॉट करके अपनी स्किन के अंदर जो है इसको अप्लाई करेंगे और बहुत ही लाइट हैंड से जो है आप क्या करेंगे कि इसको अपने फेस के ऊपर मसाज करते हुए इसको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना है आपको अपनी स्किन के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको लगा के जो है वो छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के आपको बिल्कुल भी अपनी स्किन के अंदर इसको एब्जॉर्ब जो है वो नहीं कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे। इसको यूज़ करने के बाद आप इसको जो है इसी तरीके से रहने दीजिए ओवरनाइट और मॉर्निंग में इसको वॉश कर लीजिए। मॉर्निंग में जो है आप जो है क्या करेंगे सन ब्लॉक जो है वो मस्ट अप्लाई करेंगे, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जब भी आपको फार्मूला क्रीम जो है अपने फेस के लिए बनाएंगे तो सन ब्लॉक जो है वो मस्ट होता है कि उसको आप अपने फेस के ऊपर जो है वो यूज़ करें, क्योंकि सन ब्लॉक आपको पता है वैसे भी आम दिनों में भी बहुत ही ज़्यादा जो है हमारी स्किन के लिए सेफ होता है, यूवी रेस से आपको बचाता है। तो जब आप स्किन को यूज़ करेंगे तो नाइट में आप इसको यूज़ कीजिए और डे के अंदर आप सन ब्लॉक जो है वो अप्लाई कीजिए, ठीक है। क्योंकि स्किन की केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप क्या करेंगे कि 1 वीक तक तो आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे। जो भी फार्मूला क्रीम जो है आप अपने फेस के लिए बनाए तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप इसको 1 वीक के लिए डेली बेसिस के ऊपर इसको अप्लाई करें। उसके बाद आप एक एक दिन जो है वो स्किप करते रहेंगे, यानी कि एक दिन स्किप करके फिर आप इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आप चाहते हैं आपकी स्किन व्हाइट आ जाए ब्राइट हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोग क्या करेंगे कि इस क्रीम को जो है वो छोड़ देंगे। यही सही मेथड होता है किसी भी फार्मूला क्रीम को यूज़ करने का, क्योंकि होता क्या है कि जब आप एक चीज़ जो वो डेली बेसिस के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए उसको यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर आपको पता है कि उसके कोई कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जो वो देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप सेफली इसको स्टार्ट से ही इसको यूज़ करेंगे, बहुत प्रॉपर तरीके से इसको यूज़ करेंगे, आप इसको 1 वीक डेली यूज़ कीजिए, उसके बाद एक एक दिन के स्किप करके इसको यूज़ कीजिए तो आपको उसके फिर कोई भी साइड इफेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो चलिए आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये फार्मूला क्रीम जो मेरे विंटर के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर की नाइट क्रीम ये आप लोगों को पसंद आई होगी। आप इसको बनाइएगा, इसको यूज़ कीजिएगा और अपना फीडबैक जो है मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपने इसको बनाया तो आपको उसका रिजल्ट जो है वो किस तरीके का मिला, क्योंकि इंशाल्लाह आपको उसके जो है वो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।